बात उत्तराखंड की, जहां पर कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं। पहाड़ों की गोद में बसे इस प्रदेश की खूबसूरत वादियां लोगों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि देश विदेश के सैलानी उत्तराखंड घूमने को हमेशा आते हैं। वहीं राज्य को पर्यटन प्रदेश बनाने की जुगत में जुटी सरकार 13 जिले 13 डेस्टिनेशन थीम को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक एक भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालने के साथ ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सूबे में 13 जिले में 13 डेस्टिनेशन विकसित करने की घोषणा की थी। इस थीम के तय होने के करीब 2 साल बाद सरकार ने हर जिले में नए डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 50-50 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में जारी किया था, लेकिन धरातल पर 13 जिले 13 डेस्टिनेशनों की वास्तविकता धीरे धीरे दिखाई दे रही है। डेस्टिनेशंस का जो चयन किया गया था कैबिनेट के द्वारा, उसके क्रम में कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए सभी जिलाधिकारियों को 50-50 लाख रुपए दिए हुए थे, और उस पर जो है वो जिलाधिकारियों से हमारे पास आख्या प्राप्त हुई है। हमारे पास जैसे पिथौरागढ़ का जिले से जो है हम लोगों के पास DPR भी आ गई है, उनको लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि कार्य के रूप में जारी हो रही है, और बाकी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्होंने जिस तरह का कंसेप्ट रिपोर्ट दिया है उसके क्रम में वो DPR उपलब्ध करा दें। हमारे पास पर्याप्त बजट अवेलेबल है, जैसे ही DPR आ जाते हैं हम लोग उसमें धनराशि स्वीकृत करते हैं। साल 2017 में BJP सरकार बनने के करीब 1 साल तक सभी जिलों की भौगोलिक परिस्थिति, वातावरण और मौसम को देखते हुए 13 जगहों पर पर्यटन स्थलों का चयन किया गया था। हालांकि इस थीम पर काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश सचिव गृह, सचिव वित्त, सचिव सहकारिता, सचिव पर्यटन और मुख्यमंत्री के अपर सचिव की कमेटी बनी। इतना ही नहीं, आधिकारिक स्तर पर इस थीम को लेकर कई बार बैठकें भी की गई। हालांकि बैठकों में डेस्टिनेशन को थीम आधार पर विकसित करने को लेकर उन्हें चुना गया है, लेकिन वादा समय से पूरा नहीं होने पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना, लेकिन इस बीच जानिए देवभूमि में जिलों के 13 पर्यटन स्थल की स्कीम क्या है। देहरादून जिले के लाखा मंडल चक्राता को महाभारत सर्किट हेरिटेज टूरिज्म के रूप में विकसित करना, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी चौकोड़ी को लेजर और इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना, बागेश्वर जिले के गरुड़ वैली को हिल टूरिज्म के रूप में विकसित करना, अल्मोड़ा जिले के कसार देवी कटारमल को मेडिटेशन के रूप में विकसित करना, नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर को हिमालय दर्शन टूरिज्म के रूप में विकसित करना, चंपावत जिले के देवीधुरा लोहाघाट को हिल स्टेशन के रूप में विकसित करना, उधम सिंह नगर जिले के पराग फार्म को एम्यूजमेंट पार्क के रूप में विकसित करना, रुद्रप्रयाग जिले के चोपता को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना, टिहरी जिले के टिहरी झील को वाटर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित करना, पौड़ी जिले के खिरसुर कॉर्बेट नॉर्थ एंट्री को हिल स्टेशन वाइल्ड लाइफ के रूप में विकसित करना, उत्तरकाशी जिले के मोरी हरकिदून को मल्टीपर्पज के रूप में विकसित करना, चमोली जिले के गैरसैंण ओली गौरसो को विंटर स्पोर्ट्स नॉलेज टाउन के रूप में विकसित करना, हरिद्वार जिले के पिरान कलियर शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करना। यह तो देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र के मामले में विश्वविख्यात है। यहाँ ब्रिटिश काल से ही नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, चक्राता समेत तमाम पर्यटन स्थल विकसित किए गए थे, जहां अमूमन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी वजह से कई बार पर्यटकों को असुविधाएं भी झेलनी पड़ती हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालने के बाद ही 13 जिले में 13 डेस्टिनेशन विकसित करने का बीड़ा उठाया था, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को प्रदेश के अन्य नए पर्यटक स्थलों से रूबरू कराया जा सके। साथ ही इस थीम से यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले 13 डेस्टिनेशन पर काम कर रही है।
लेकिन ऐसे में विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का कोई भी कार्य धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आने वाले 2.5 सालों में सरकार किस तरह का काम करने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV, देहरादून।